इंडिया, आपने इंडियन आइडल को इतना 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 प्यार दिया कि 28 नवंबर से अब तक इंडियन आइडल को टीआरपी के चार्ट पर नंबर वन शो बनाए रखा। और इसलिए हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि हम आपको थैंक यू कहें। और इसीलिए आज देश के कोने कोने से हमने बुलाए है इंडियन आइडल के हार्डकोर फैंस को। ये आप ही में से हैं जिनको ना सिर्फ मौका मिला यहाँ पर आने का, बल्कि अपने फेवरेट को गाते हुए सुनने का। आज पूरे इंडिया की फरमाइश पूरी होगी। 2000 तालियों से स्वागत कीजिए अनूप सोनी सर का। आज मैं दानिश के लिए आया हूँ यहाँ। मैंने इनके काफी सारे एपिसोड्स में इनका एक्टिंग टैलेंट भी देखा है, तो ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया यार, क्योंकि मैं इतने सालों से क्राइम पेट्रोल होस्ट कर रहा हूँ, अब एज एन एक्टर मुझे भी थोड़ा चेंज चाहिए, मुझे भी थोड़ी वैरायटी चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेक ले लूँ और एक एंकर नया हम लोग ले लें क्राइम पेट्रोल के लिए। करना चाहोगे यार? सर बिल्कुल बिल्कुल। एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ लाइनें देता हूँ, आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सर। आकाश उस दिन बहुत खुश था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो दिन उसका और उसकी प्रेमिका का आखिरी दिन होगा। Wow, I love the way he talks. आप ये लाइनें मत यूज कीजिए, आप अपनी कोई लाइनें, लेकिन माहौल कुछ इस तरह का होना चाहिए। पॉम्पी के पति टॉम्पी को एहसास ही नहीं था कि जिस जॉम्पी को वो अपना जिगरी दोस्त समझता है, एक दिन वही जॉम्पी टॉम्पी की बीवी यानी पॉम्पी को भगा कर ले जाएगा और रचेगा ऐसी साजिश कि दहल जाएगी दुनिया और सामने आएगा हैवानियत का एक नया चेहरा। आगे खत्म है स्टोरी, ये कहानी सामने फिर चेहरा ना आ गया गिर के, इसीलिए मैं वो कह रही थी। सर एक फरमाइश थी, अभी फरमाइश सबकी चल रही है, तो एक बार मैंने कभी आपको लाइव बोलते नहीं देखा, वो सावधान रहे सतर्क रहे वो वाला सर एक बार बोल के दिखाइए ना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।